children, this is Kush English and I'm Renuka Singh and I'm here with some long writing task which we are going to do. And in this, I hope children, the term one syllabus is in front of you and you are well aware of this. For those who are not, let me just clarify it to you that in short writing skills we have notice writing in advertisement for the term one. And in long writing task, we have letter to editor, article writing, and I think application for job also, okay? So let us see, I'll be discussing this. This video is specifically for class 12, but class 11th, children can also learn from this as of how the question from writing skills can be asked. In their syllabus, notice is there. I mean, long writing task, business and official letter is there and speech is there, okay? So for them also, I'm going to soon upload one video, but you can watch this long writing task. So let's get started without wasting any time. So it is letter to an editor wherein you give suggestions and express your opinions on the issues of public interest. So let us discuss with the first question. Choose the correct option to answer the following questions. A formal letter should be dashed to have the desired effect on the recipient. We have already read about formal letters, the letter to editor, official letter, business letter, application for job. All of them are formal letters. There is no informal letter in class 11th and 12th. But yes, so what is the question? Let us go. Let us move ahead. A formal letter should be dashed to have the desired effect on the recipient. एक फॉर्मल लेटर को कैसा होना चाहिए ताकि रिसीपियंट पर यानी जो भी रिसीवर है उस पर डिजायर्ड इफेक्ट हो. प्रॉपर फॉर्मेट में होना चाहिए, करेक्ट? यस, वी कैन कंसिडर दिस. टू द पॉइंट एंड रिलेवेंट होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए. ग्रामेटिकली करेक्ट होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए. तो अब बताने की ज़रूरत नहीं है कि करेक्ट आंसर ऑल ऑफ दीज है, ओके? तो एक फॉर्मल लेटर प्रॉपर भी होना चाहिए, प्रॉपर फॉर्मेट में, कंसाइज हो, टू द पॉइंट हो, रिलेवेंट हो, ग्रामेटिकली करेक्ट हो. क्वेश्चन नंबर टू पर आते हैं. हाउ टू एंड द मेन बॉडी ऑफ अ फॉर्मल लेटर. तो फॉर्मल लेटर के मेन बॉडी को हमें कैसे एंड करना चाहिए? रिसिपियंट के लिए लव दिखाते हुए? बिल्कुल नहीं. फॉर्मल लेटर में कभी भी कोई प्यार व्यार दिखाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? उसके ये तो एलिमिनेट करना पड़ेगा. बाय डिस्कसिंग द वेदर सवाल ही नहीं पैदा होता. वेदर डिस्कस करके अपना मौसम ख़राब कर लोगे, तो इसलिए. और वो भी शहर का वेदर डिस्कस करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो ये भी एलिमिनेट हो गया. बाय डिस्कसिंग द वेदर इन द रिसिपिएंट सिटी, इससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला. भाई, रिसिपिएंट की सिटी में वेदर क्यों डिस्कस करोगे? फॉर्म लेटर का जो कंटेंट होगा, जो सब्जेक्ट होगा, वो डिस्कस करोगे और उससे रिलेटेड ही एंड होना चाहिए. सो बाय टेलिंग द रिसिपिएंट व्हाट ही शुड बी डूइंग नेक्स्ट, सो दिस इज़ द करेक्ट आंसर. रिसिपिएंट को ये कहना है, आपने रिक्वेस्ट करना है कि भाई आप प्लीज़ ये कर दीजिए या आपको क्या करना चाहिए, ठीक है ना? अब आते हैं, व्हाट वुड यू राइट इन द ओपनिंग पार्ट ऑफ अ फॉर्मल लेटर. एक फॉर्मल लेटर के ओपनिंग पार्ट में ऑब्वियसली जो इंट्रोडक्टरी पार्ट होता है उसमें आपको क्या लिखना चाहिए? यू शुड आस्क अबाउट द वेलबींग ऑफ द रिसिपियंट. बिल्कुल नहीं. मैंने कहा ना, फॉर्मल लेटर में अगर आप मेरे पिछले वीडियोस कुछ देख लें, प्लेलिस्ट में जाएं और फॉर्मल लेटर्स को अगर देख लें, तो मैंने उसमें पूरा डिस्कस किया है फॉर्मेट, स्टाइल, स्ट्रैटेजीज, एवरीथिंग. तो हम कभी भी वेलबींग रिसिपियंट का नहीं पूछते, क्योंकि ये फॉर्मल लेटर है, ये इनफॉर्मल लेटर नहीं है, ये समझिए आप. इन्फॉर्म द रिसिपियंट अबाउट द पर्पज़ ऑफ राइटिंग द लेटर. हाँ बिल्कुल, हम रिसिपियंट को इन्फॉर्म करेंगे ना कि भाई हम चिट्ठी क्यों लिख रहे हैं उन्हें. डिस्कस अबाउट द रिसिपियंट फैमिली, बिल्कुल नहीं, एलिमिनेट करें. फाइल कंप्लेंट अबाउट द प्रॉब्लम्स इन योर लाइफ, बिल्कुल नहीं, ये भी नहीं करना है हमें, ठीक है? क्योंकि किसी भी फॉर्मल लेटर की बात हो, ये कोई कंप्लेनिंग लेटर नहीं है. समझ में आ रहा है आपको? अगर ये कंप्लेनिंग लेटर स्पेसिफिकली दिया होता तो शायद ये ऑप्शन भी करेक्ट होता. तो हम सीधा बी के साथ जाएंगे, विच इज़ फुल्ली करेक्ट. द की पॉइंट ऑफ अ फॉर्मल लेटर इज रिटन इन विच पार्ट ऑफ अ फॉर्मल लेटर. बहुत ध्यान से बच्चों आपको ये पढ़ना है क्वेश्चन. फॉर्मल लेटर का जो की पॉइंट होता है वो फॉर्मल लेटर के किस पार्ट में आप लिखते हैं, ये पूछा जा रहा है. तो भाई इंट्रोडक्शन में लिखा जाता है, बिल्कुल नहीं. हेडिंग में लिखा जाता है, बिल्कुल नहीं. कुछ बच्चे इसमें कंफ्यूज होंगे और मैं बता दूं आपको बच्चों, हेडिंग और क्लोजिंग, सब्जेक्ट, ये सारे टर्म्स, अब यू शुड बी वेल वर्स्ड विद ऑल दीज वर्ड्स.
तो सीधी सी बात है भाई, किसी भी लेटर का जो की पॉइंट होता है वो बॉडी में ही लिखा जाता है, ना हेडिंग में, ना क्लोजिंग में, ना इंट्रोडक्शन में, ना सब्जेक्ट में। ठीक है, बॉडी में ही हम क्लियर लिखते हैं। हाँ, सब्जेक्ट में हम ज़रूर एक शॉर्ट में ये लिख देते हैं कि द लेटर इज़ अबाउट वॉट। सो वॉट इज़ द एक्यूरेट रिप्रेजेंटेशन टू शो द पर्पज़ ऑफ अ लेटर? एक्यूरेट रिप्रेजेंटेशन क्या है? पर्पस लेटर का जब शो करना है उसका एक्यूरेट रिप्रेजेंटेशन होता है प्लीज नोट फॉर्मल नोटिस, या अटेंशन फॉर्मल नोटिस, अनाउंसमेंट फॉर्मल नोटिस, या सब्जेक्ट फॉर्मल नोटिस। तो सीधी सी बात है, एक एक्यूरेट रिप्रेजेंटेशन होता है कि जो हमारा सब्जेक्ट है वो हमारा स्पेसिफिकली वही पर्पस डिक्लेयर करेगा। अभी अभी जो मैं बात करी थी कि अगर आपको चिट्ठी लिखनी है कोई भी, ठीक है, तो आप पक्का लिखते हो ना उसमें न्यूसेंस ऑफ लाउड स्पीकर। सपोज करो आपसे एक क्वेश्चन दे दिया गया और आपको कहा गया कि आप जो है लेटर लिखिए टू एडिटर डिस्कसिंग अबाउट द न्यूसेंस ऑफ लाउड स्पीकर इन टेम्पल्स ऑल अराउंड योर एरिया, तो आप क्या करते हो? आप उसमें सब्जेक्ट जो लिखते हो उसको उसमें आप हाईलाइट करते हो इस चीज़ को, ठीक है ना। तो इसीलिए हमारा जो सब्जेक्ट होता है वही एक्यूरेट रिप्रेजेंटेशन होता है, सब्जेक्ट फॉर्मल नोटिस की तरह। इसमें कंफ्यूज नहीं होता, ये नोटिस वर्ड सुन के आप घबरा नहीं जाना, समझे, ये कोई शॉर्ट राइटिंग की बात नहीं हो रही है। सब्जेक्ट पर्पस रिप्रेजेंट करता है, बस सिंपल सा ये क्वेश्चन था, थोड़ा डिफिकल्ट कराया गया आंसर्स में नोटिस वर्ड डालकर बच्चों को डाउट में डालने के लिए, ठीक है। एक्सक्यूज मी चिल्ड्रन। सो विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी अवॉइडेड इन अ फॉर्मल लेटर, इनमें से किस चीज़ को अवॉइड करना है? तो जिस चीज़ को अवॉइड करना है उसको ड्रॉप कर देते हैं, यानी जो अवॉइड करना है हमें, तो इसको प्लीज़ आप अंडरलाइन कर लेंगे ताकि आप कन्फ्यूज ना हो। फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन अवॉइड करना है, बिल्कुल नहीं करना, ये तो ज़रूर होना चाहिए, लेकिन हमें पूछा गया क्या अवॉइड करना है तो हम इसको अवॉइड करेंगे। आई मीन आई डोंट नो वाई दिस नॉट कर्सर इज नॉट वर्किंग। ये सिंपल और फॉर्मल लैंग्वेज होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, तो इसको अवॉइड क्यों करेंगे हम? फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन होना चाहिए तो इसको अवॉइड क्यों करेंगे? ये डी भी ड्रॉप करना है बच्चों, ये काम नहीं कर रहा कर्सर यहाँ पर। शॉर्ट आंसर शॉर्ट सॉरी शॉर्ट सेंटेंस स्ट्रक्चर्स, बिल्कुल नहीं, इसमें कोई ऐसी ज़रूरत नहीं है शॉर्ट सेंटेंस स्ट्रक्चर्स की। कोई एडवर्टीजमेंट या नोटिस थोड़ी है कि 50 वर्ड्स में हमें ख़त्म करना है। वन लॉन्ग राइटिंग टास्क है, लंबा लिखो, कोई टेंशन नहीं है। सेंटेंस स्ट्रक्चर्स बड़े बड़े हो सकते हैं, लॉन्ग हो सकते हैं, तो ये भी नहीं अवॉइड करना है। तो बचा क्या? एम्बिगुअस कंस्ट्रक्शन। अब एम्बिगुअस का अगर आपको मतलब नहीं पता होगा तो आप इसको देखेंगे भी नहीं। तो यही बातें मैं कह रही हूँ बच्चों, प्लीज़ इसको ध्यान से पढ़ो, समझो। एम्बिगुअस का मतलब है जिसमें दो मीनिंग, दो बातें निकल के आती हों, ऐसे स्टेटमेंट कंस्ट्रक्ट नहीं करेंगे, तो ये अवॉइड करना होगा। आपकी बात एकदम क्रिस्टल क्लियर टू द पॉइंट होनी चाहिए। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द ब्लॉक फॉर्मेट ऑफ अ फॉर्मल लेटर? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक, इसमें से कौन सा कैरेक्टरिस्टिक है फॉर्मल लेटर का? देयर इज नो इंडेंटेशन। क्या इंडेंटेशन नहीं होता है? बिल्कुल होता है इंडेंटेशन का मतलब। अब आप बताइए मुझे, कमेंट बॉक्स में डालिए, मैं भी देखना चाहती हूँ कितने बच्चों को पता है, जो कि मैं नोट मेकिंग में ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ इस वर्ड को। सो यूज़ ऑफ पंक्चुएशन मार्क्स इज डिस्पेंस्ड विद इन द ब्लॉक फॉर्मेट। क्या पंक्चुएशन मार्क्स को डिस्पेंस कर दिया जाता है ब्लॉक फॉर्मेट में? ये भी कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, कोई रोक टोक नहीं होती है, बिल्कुल आप कर सकते हैं पंक्चुएशन मार्क्स को, उसके बाद से ये ड्रॉप कर रहे हैं, हम एलिमिनेट कर रहे हैं, ठीक है ना। एक सेकेंड, उसके बाद से ईच ब्लॉक बिगिंस विद, आई एम सॉरी, ये थोड़ा सा मैं कुछ और करना चाह रही थी, रुकिए। कैरेक्टरिस्टिक पूछ रहा है बच्चों, तो इसमें इंडेंटेशन होना चाहिए। फिर पंक्चुएशन मार्क डिस्पेंस होना चाहिए, विद इन ब्लॉक फॉर्मेट की बात हो रही है। ईच ब्लॉक बिगिंस विद द मार्जिन ऑन लेफ्ट हैंड साइड, ये भी करेक्ट है। ईच ब्लॉक से क्या मतलब है? अगर हम फर्स्ट लाइन बिगिन कर रहे हैं लेटर में, उसके बाद हम सेकेंड पैरा बिगिन कर रहे हैं, और उसके बाद हम थर्ड पैरा बिगिन कर रहे हैं, तो क्या एक प्रॉपर वो मार्जिन लेफ्ट हैंड साइड से शुरू होता है? बिल्कुल शुरू होता है, तो ये तो करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, तो करेक्ट आंसर क्या हुआ? ऑल ऑफ दीज, ठीक है। अब आते हैं, व्हाट इज़ द करेक्ट वे टू राइट दी सब्सक्रिप्शन?
सब्सक्रिप्शन लिखने का, फॉर्म लेटर में सब्सक्रिप्शन क्या होता है बच्चों बताइए? वही, यस, ऑप्शन देख के आपको याद आ गया होगा। बहुत सारे बच्चे कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज और सब्सक्रिप्शन में कंफ्यूज हो जाते हैं, तो बहुत ध्यान से लेटर राइटिंग के जो मैंने एक्सप्लेनेशन वाले वीडियोस डाले हैं, प्लीज़ उसको ध्यान से देखिए। आई एम श्योर आप इनमें से कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे। सो योर ट्रूली, अब ये दोनों में कोई ज़्यादा अंतर नहीं है, बस एक कैपिटल और स्मॉल का अंतर है, ये तो बिल्कुल ही ड्रॉप कर देंगे। अब मैं आपको बताती हूँ आप कन्फ्यूज़ कहाँ होंगे, आप होंगे ये भी तो वही है, ये भी तो वही है, बिल्कुल नहीं है, यहाँ स्मॉल वाई है और यहाँ कैपिटल वाई है। तो करेक्ट आंसर कौन सा हुआ, इसको एलिमिनेट करना है और इसको करेक्ट करना है। अब ये भी छोड़ दीजिए आप, अगर ऑप्शन में मैं पेपर सेटर होती तो मैं लिखती वाई ओ यू आर और एपोस्ट्रॉफी एस ज़रूर लिखती मैं, क्योंकि 99% बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर ये ऑप्शन रहता और ये ऑप्शन रहता तो वो पक्का इस पे करेक्ट करते, जबकि ये टोटली रॉन्ग है। ठीक है, कंफ्यूज ही करना है अगर आपको, तो यहाँ एक ऑप्शन और डाल दिया जाता आप आसानी से गलत कर देते, इसलिए बहुत ध्यान से ऑप्शंस को देखना है। खैर यहाँ पर ये है एपोस्ट्रॉफी एस बच्चों इसमें नहीं होता है, ठीक है, और आप यह ध्यान दें। बहुत सारे बच्चे इसको स्मॉल वाई से लेटर को सब्सक्रिप्शन को तो इसका मतलब वो लिखते थे तो वो इनकरेक्ट वे था, तो ये करेक्ट वे है। ठीक है, ओके, एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन में और आगे बढ़ते हैं। चूज़ द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स, फटाफट लेते हैं इसको। कंप्लीट द गिवन फॉर्मेट ऑफ अ फॉर्मल लेटर, अब देखिए अब आपको पहले तो इस क्वेश्चन को समझने में ही टाइम लगेगा, ये क्वेश्चन शुरू यहाँ से है और ख़त्म कहाँ पर है ये देख लीजिए। तो अब फॉर्मेट दिया जा रहा है, फॉर्मेट दिया जा रहा है मतलब कोई क्वेश्चन नंबर वन में यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर सेंडर्स एड्रेस आएगा, फॉर्मल लेटर है बच्चों, बहुत सीधी सी बात है, सिंपल सी बात है, आई एम श्योर इसमें आप बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होंगे। तो आप ये बताइए पहले आप क्या लिखते हैं, फॉर्मल लेटर में हम सेंडर का एड्रेस लिखते हैं ऊपर टॉप पर लिखते हैं, हम तो अपने बच्चों को यही सिखाते हैं। तो यहाँ देखिए लेटर सी, देखते हैं क्या पूछ रहा है, सेंडर्स एड्रेस होगा, उसके बाद क्या होगा बच्चों, एक मिनट रुकिए, इट्स नॉट वर्किंग, फिर यहाँ क्या होगा, फिर यहाँ क्या होगा, चलो मैं बच्चों बताऊंगी नहीं फॉर्मेट, आप फॉर्मेट पहले देखें, आप पहले प्लेलिस्ट में जाएं, फॉर्मल लेटर्स की मैंने डिस्कस किए फॉर्मेट, पहले हम सीधे क्वेश्चन पर आते हैं। ठीक है, अब आते हैं ये क्वेश्चन नंबर वन, ये पूछ रहा है कि डेट से पहले क्या होगा, तो डेट से पहले क्या होगा भाई, डेट से पहले होगा रिसीवर्स एड्रेस, पक्का क्वेश्चन नंबर, देखो बहुत घुमाने वाला है बेटा, सीक्वेंस में इन्होंने पूछा भी नहीं है हमसे, सीक्वेंस में पूछा है क्या, एक सेकंड बच्चों यहाँ कुछ मिसिंग है, ये आंसर्स कुछ गलत है, चलो 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 ठीक है मैं आपको करेक्ट करती हूँ। देखिए सीक्वेंस में ही है सब कुछ, बता रही हूँ क्या गड़बड़ी है इसमें। अब देखो जब हम शुरू करते हैं लेटर को तो हम सबसे पहले क्या लिखते हैं, हम सबसे पहले लिखते हैं सेंडर्स एड्रेस, मैं बता देती हूँ चलो। तो क्वेश्चन नंबर वन में ऑप्शन क्या होगा, ए करेक्ट होगा, मैं ये बी देखकर थोड़ा कंफ्यूज हो गई थी, तो हम क्वेश्चन नंबर वन में ए डालते हैं जो कि यहाँ गलत लिखा है। ठीक है, इसको करेक्ट कर लीजिएगा। अब करेक्ट क्या करेंगे, क्वेश्चन बैंक कहीं से उठाया हुआ है, उसमें भी देखिए गलतियाँ हो सकती हैं। उसके बाद आता है डेट और उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर टू, यानी उसके बाद आता है रिसीवर एड्रेस। ठीक, तो इसमें करेक्ट आंसर क्या हो गया, यहाँ उल्टा दे दिया है, समझ में आ रहा है बच्चों, तो ये क्वेश्चन नंबर वन टू होना चाहिए था और टू वन होना चाहिए था, ये करेक्ट है, यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये उल्टा हो गया है, आई मीन मार्किंग स्कीम या आंसर की में जो दिया है उसमें ये गलत दे दिया है, ऑप्शन गलत दिया है। तो हम सही आंसर्स की तरफ चलते हैं सर, हम सिर्फ भरते जाते हैं। चलिए सेंडर्स एड्रेस यहाँ भर दिया हमने, यहाँ भर दिया रिसीवर्स एड्रेस, उसके बाद हमने डाल दिया सब्जेक्ट, उसके बाद हम क्या डालते हैं, सब्जेक्ट के बाद बताइए क्या आता है, सब्जेक्ट के बाद आता है आपका सैल्यूटेशन। अब देखिए सर भी करेक्ट है, डियर सर भी करेक्ट है, भाई इसको हम गलत कैसे बोल दें, तो मैं क्यों कहूँ कि भाई ऑप्शन सी, क्योंकि हम डियर सर लिखकर कुछ गलत नहीं करते हैं, ठीक है ना। तो मैं अगर यहाँ होती तो यहाँ डी ऑप्शन में डालती बोथ ए एंड सी, ठीक है, तो मैं इसके साथ भी नहीं जाऊँगी, तो चलो हम इसमें कुछ गड़बड़ी है ही है इस क्वेश्चन पैम्पलेट में,
तो हम अपने हिसाब से चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थ्री में हमें पता है हमें क्या डालना है। क्वेश्चन नंबर थ्री में हमें वर्ड डालना है सैल्यूटेशन, यानी कि वो होता है, वैसे ज़्यादातर केसेस में हम सिर्फ, सॉरी एक मिनट मैं इसको यहाँ लिख देती हूँ बच्चों, यहाँ थोड़ी जगह कम है, या तो हम सर तो परफेक्ट है एकदम, लेकिन जब बच्चे डियर सर लिख देंगे तो क्या बुराई है भाई, कोई बुराई नहीं है, किसी इंसान को आपने डियर ही तो कहा। हाँ तो हम इसके दोनों, हाँ अगर डियर सर ऑप्शन नहीं होता देन आई वुड हैव गॉन विद सर। तो एम्बिगुअस आंसर्स भी नहीं होने चाहिए, ये भी ध्यान रखें, ठीक है ना। तो या तो सर या डियर सर, अगर पार्शियली और परफेक्ट की बात करें तो आई विल गो विथ सर, ठीक है ना। तो अब बच्चे यहाँ कंफ्यूज होंगे, कुछ बच्चे कहेंगे सर और कुछ बच्चे, अब इसमें देखिए बच्चों आपको बहुत, मैंने बताया ना आपको कि ये इट इज़ इवन अ चैलेंज फॉर अस एज टीचर्स टू करेक्ट द कॉपीज। इस टाइप के क्वेश्चन में आएंगे तो मुझे ऐसा लगता है हमें बच्चों को दोनों करेक्ट करना चाहिए, डियर सर और सर, या फिर ऐसे क्वेश्चन नहीं होने चाहिए, ठीक है। चलो विदाउट एनी कमेंट्स ऑन द पेपर सेटर, ठीक है सबने अपना दिमाग लगाया है और उन्होंने इतनी मेहनत की है इसलिए इस पर नहीं कमेंट करेंगे। द पॉइंट इज ओनली यू शुड नॉट गेट कन्फ्यूज। तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर फोर पे, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कंक्लूडिंग पैरा हो जाता है, उसके बाद आता है आपका सब्सक्रिप्शन, और अभी अभी हम सब्सक्रिप्शन की बात कर रहे थे तो करेक्ट सब्सक्रिप्शन आपको आई एम श्योर अब कोई कन्फ्यूजन नहीं है, और वो है ये बी, ठीक है। आते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव पर। क्वेश्चन नंबर फाइव यानी कि आपको क्या करना चाहिए, सब्सक्रिप्शन लिखने के बाद आप सिग्नेचर करते हैं, और सिग्नेचर करने के बाद अब देखिए यहाँ कितना कंफ्यूज किया गया आपको, फुल नेम इन लोअर केस, ओनली इनिशियल्स इन कैपिटल्स, ओनली फर्स्ट नेम इन कैपिटल्स, या फुल नेम इन कैपिटल्स। अब यहाँ दिया है फुल नेम इन कैपिटल्स भाई, सो आई विल गो विद दिस, हम इसी के साथ जाएंगे, ठीक है। हालांकि आज तक हम बच्चों को ये नहीं सिखाते थे कि आप लेटर की एंडिंग कैपिटल से करिए पूरा नाम, हम बस जैसे फॉर एग्जांपल इफ़ आई एम रेणुका सिंह आई विल राइट डाउन कैपिटल आर फॉर रेणुका एंड आई विल राइट डाउन कैपिटल एस फॉर सिंह, हम तो यही सिखाते थे बच्चों को। लेकिन अब ये बोल रहे हैं ओनली फर्स्ट नेम इन कैपिटल्स, अब फर्स्ट नेम कैपिटल्स में रहे और सेकेंड नेम ना रहे तो ये ऑप्शन गलत हो गया। फुल नेम इन लोअर केस, फुल नेम तो ऑब्वियसली लोअर केस में तो बिल्कुल नहीं होगा, ये तो ऑप्शन वैसे ही गलत हो गया। ओनली इनिशियल्स इन कैपिटल्स, बिल्कुल नहीं, इनिशियल्स भी नहीं होते हैं, तो भाई उस हिसाब से तो यही जाता है। तो भाई आप देख लीजिएगा बेटा, यू हैव टू बी वेरी वाइज वाइल राइटिंग द आंसर। और अगर यहाँ नन ऑफ दीज होता ना तो मैं नन ऑफ दीज भी कहती, क्योंकि मैं हमेशा बच्चों को ये सिखाती हूँ कि आप रेणुका सिंह आर कैपिटल और एस कैपिटल हो, बाकी ये फुल नेम में लिखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन समथिंग न्यू हैज़ कम तो लेट अस लर्न, ओके। और चूँकि इन बुक्स को CBSE ये कर रही है, क्वेश्चन बैंक्स हैं ये, थोड़ा बहुत गलतियाँ हो सकती हैं इनमें भी। तो आई थिंक बच्चों एक लॉन्ग राइटिंग टास्क लेटर का तो हम कर चुके हैं, ऐसा ही एक बहुत ही इंटरेस्टिंग है, देखिए इस तरीके का एक फिगर आ गया है और अब इससे रिलेटेड ये पूरा लेटर आपको यहाँ दे दिया गया है, और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 करके पूछा गया है। तो चलिए एक इंटरेस्टिंग है, बिना क्वेश्चन समझाए मैं आपको ज़रा ये अटेम्प्ट करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं। तो आप शुभा हो, कृष्णामूर्ति हो, शुभदा अपार्टमेंट में रह रहे हो भुवनेश्वर में, और आपने ऑब्जर्व किया कि गार्बेज कलेक्शन को लेकर आप काफ़ी कंसर्न्ड हो, विच गार्बेज कलेक्शन कंटिन्यूज टू बी डन विदाउट सेग्रीगेशन इन योर नेबरहुड। तो आपने लेटर लिखा है एडिटर को, तो पहले क्वेश्चन को पूरा समझना पड़ेगा आपको, क्योंकि इस लेटर में आपने अपनी कंसर्न दिखाई है कि वाई इम्पॉर्टेंट, व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ गार्बेज सेग्रीगेशन। अब आपको सजेस्ट करना है वेज इन विच RWAs कैन पार्टिसिपेट इन दिस प्रोग्राम। अब भाई चिट्ठी आपको लिखनी तो है नहीं, चिट्ठी ऑलरेडी लिखी हुई है, आपका काम खत्म हो गया भाई, पहले तो आप पूरी चिट्ठी लिखते थे, चलिए टर्म वन तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप जब तक MCQ देंगे तब तक कोई इशू नहीं है, लेकिन भाई हो सकता है चीज़ें ठीक हो जाएं तो फिर से हम वापस उसी फॉर्मेट पे आ जाएं। तो एनीवेज हम कहने का मतलब ये कि आपको ये पूरा अच्छे से पढ़ जाना है, लेकिन पढ़ने से पहले पहले हम क्वेश्चंस पर एक नज़र मार लें। हाउ टू मैनेज वेस्ट एट होम, से नो टू वन बीन, से यस टू थ्री सेपरेट बिन्स,
नो यस रिसाइकलेबल, इसको पूरा पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, इस पूरे डायग्राम को समझना पड़ेगा आपको, ठीक है? इसको बहुत थरेली देखना पड़ेगा। अब क्वेश्चन नंबर वन अगर मैं कहूँ तो मेरे को सीधा आंसर अगर ढूंढना है तो ऑब्वियसली मैं सीधा सेंडर का एड्रेस डालूंगी, और सेंडर कौन है यहाँ पर? अब देखिए यही कितना कंफ्यूज कर दिया गया है, बच्चे तुरंत कंफ्यूज जाएंगे, तो सी और डी को तो हम तुरंत ड्रॉप कर देंगे, ठीक है? सुभद्रा अपार्टमेंट भुवनेश्वर उड़ीसा, टू सुभद्रा अपार्टमेंट भुवनेश्वर। अभी कितना क्लोज है भाई, बच्चे ए भी लिखते हैं, बी टी ओ टू भी वो जरूर लिखते हैं, लेकिन ये सेंडर्स एड्रेस है बच्चों, तो ये तो हो गया ड्रॉप, क्योंकि आप लिख रहे हो, तो यहाँ फ्रॉम होता तो मैं इसको कंसिडर करती, यहाँ फ्रॉम होता तो मैं इसको, आई एम सॉरी बच्चों ये लिख नहीं पा रही हूँ मैं, आप समझेंगे, इस टू की जगह फ्रॉम होता तो मैं इसको कंसिडर कर सकती थी, तो ये तीनों ड्रॉप, तो करेक्ट आंसर इज ए, ठीक है? अब आते हैं क्वेश्चन नंबर टू पर। क्वेश्चन नंबर टू, डेट के बाद क्या आना चाहिए बच्चों? रिसीवर एड्रेस, और इस केस में रिसीवर कौन है? जल्दी से क्वेश्चन में जाइए, जल्दी से जाइए, और लेटर टू एडिटर है रियल टाइम भुवनेश्वर, आइए वापस, जल्दी आइए। ओके, एडिटर रियल टाइम भुवनेश्वर, कहाँ है हमारे ऑप्शंस? जरा देखते हैं, ये गलत, ये गलत, ये सही और ये सही। अब आप कहोगे कि मैम इसमें से ये भी करेक्ट है और ये भी करेक्ट है, तो आपको याद होगा बच्चों जब हम डिस्कस करते हैं फॉर्मेट, तो हम कभी भी टू यहाँ लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि हम डायरेक्टली लिखते हैं द एडिटर, ठीक है? तो ये भी गलत। ओके, ये बहुत माइन्यूट चीज़ें, देखिए क्या माइन्यूट डिटेलिंग की गई है कि बच्चा पक्का कंफ्यूज हो जाएगा। ये करेक्ट है, ये पार्शली करेक्ट है, ये नहीं लिखा जाता है ना। ओके, अब आते हैं सब्जेक्ट पे। तो भाई सब्जेक्ट पर तो हम बात कर चुके थे, और यहाँ पर हमें क्वेश्चन नंबर टू हमने भर दिया, थ्री में हमें सब्जेक्ट भरना है, और इसको बेस्ट सब्जेक्ट हम क्या दे सकते हैं वो हमें क्वेश्चन से मिलेगा। तो कुछ आंसर्स आपको यहाँ से मिलेंगे, कुछ यहाँ से मिलेंगे, और कुछ जो डायरेक्ट हैं वो यहाँ से मिलेंगे। तो आप किस पर लिखने जा रहे हैं? इम्पॉर्टेंस ऑफ गार्बेज सेग्रीगेशन पर, और आप कुछ तरीके बताने जा रहे हैं जिससे RWAs पार्टिसिपेट कर सकें इस प्रोग्राम में, ठीक है? ओके, तो क्वेश्चन नंबर थ्री यानी कि सब्जेक्ट हमें चुनना है, और सब्जेक्ट है कंसर्न, सीधा दिख रहा है बच्चों, इसमें पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। मैंने पहले भी आपको बताया बच्चों, लंबे लंबे हमें सब्जेक्ट्स देने नहीं हैं। खैर ये इनकम्प्लीट है, ये तो ऐसे ही एलिमिनेट हो गया। गार्बेज कलेक्शन कंटिन्यूज टू बी डन विदाउट, ये आपने वो स्टेटमेंट उठा के रख दिया, और हम कभी भी सब्जेक्ट में माई और इस तरीके का स्टेटमेंट नहीं लिखते हैं, पर्सनल प्रोनाउन नहीं, हमें टू द पॉइंट पर्पस बताना है। कंसर्न अलॉन्ग द रैशनल बिहाइंड द इम्पॉर्टेंस ऑफ, कुछ हद तक ये पार्शली करेक्ट है, लेकिन हमें हमें नॉन सेग्रीगेशन की बात करनी है, तो कंसर्न ओवर नॉन सेग्रीगेशन ऑफ वेस्ट, ठीक है? अब आते हैं विल हेल्प इन सेंसिटाइजिंग, क्वेश्चन नंबर फोर, यानी क्या है क्वेश्चन नंबर फोर, आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर यहाँ पर है, देखिए, टू कंक्लूड सेग्रीगेशन ऑफ वेस्ट इज द नेम। अब ये क्वेश्चन हमें यहाँ से दिया, अब तक तो हमने दिमाग लगाया, अगर हमने फॉर्मेट करेक्टली पढ़ा होगा ना बच्चों, तो हम ये तीन क्वेश्चन सही कर लेंगे, लेकिन अब हमें इस कंटेंट को पढ़ना पड़ेगा क्वेश्चन नंबर फोर को उठाने के लिए, इसके आंसर को चूज करने के लिए। तो क्वेश्चन नंबर फोर ये कहता है, टू कंक्लूड सेग्रीगेशन ऑफ वेस्ट इज एन इम्पॉर्टेंट मैटर एंड मस्ट बी अडहर्ड टू ऑल लेवल्स, आई होप दैट दिस लेटर ऑफ माइन डैश टू ब्रिंग अ रिवोल्यूशनरी चेंज इन दी सोसाइटी। दिस लेटर ऑफ माइन क्या? दिस लेटर ऑफ माइन विल हेल्प इन सेंसिटाइजिंग RWAs टू टेक एडुकेट एफर्ट्स एट एसोसिएशन लेवल। अब भाई मुझे तो ये पार्शली करेक्ट लग रहा है, आगे आते हैं, पार्शली नहीं करेक्ट लग रहा, हो सकता है इससे भी कोई एक्यूरेट आंसर हो, तो आगे बढ़ते हैं। विल मेक यू थिंक टू हेल्प इन सेंसिटाइजिंग, नो नो बिल्कुल नहीं भाई, सोचना किसको है? सोचना एडिटर को नहीं है, तो आप डायरेक्टली आप उनको मत पॉइंट आउट करिए। जैसे मैंने अक्सर बच्चों को, मैं मजाक में भी पढ़ाते पढ़ाते कहती हूँ क्लास में, जस्ट दैट लेटर टू एडिटर को लिखते हैं, कुछ बच्चे कंक्लूजन लिखते हैं, प्लीज़ टेक कंक्रीट स्टेप, चाहे वो चिट्ठी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन से रिलेटेड हो, चाहे वो चिट्ठी, भाई एडिटर को आपने चिट्ठी क्यों लिखी है? इसलिए कि वो पर्टिकुलर डिपार्टमेंट, वो पर्टिकुलर अथॉरिटीज़ का ध्यान आकर्षित करें। वो सिर्फ क्या कर सकते हैं, आपकी प्रॉब्लम्स को अपने न्यूज़पेपर में स्पेस दे सकते हैं। ही इज़ नो बडी, एडिटर इज़ नो बडी टू टेक दैट एक्शन, ही डजेंट हैव दैट अथॉरिटी। तो बच्चे लिखते हैं प्लीज़ टेक कंक्रीट स्टेप,
तो ये बच्चे ने आई मीन ये ऑप्शन की याद मुझे वो इसलिए याद आ गया क्योंकि ये ऑप्शन कुछ ऐसा ही कह रहा है, विल मेक यू थिंक टू हेल्प इन। तो आप एडिटर को कह रहे हो, हाँ तो आप एडिटर को डायरेक्टली नहीं कह सकते, विल मेक यू टू सेंसिटाइज एंड टेक एडिकेट, उनको लेना ही नहीं है उस लेवल पर, ठीक है। ये सिर्फ और सिर्फ विल ड्रॉ योर अटेंशन टू, भाई इनका अटेंशन तो आपने ऑलरेडी ड्रॉ कर लिया ये चिट्ठी लिख करके। तो ये बी सी और डी अगर आप ध्यान से पढ़ो बच्चों, तो ये तीनों ही ड्रॉप करना है। करेक्ट आंसर ये है क्योंकि आपने ये चिट्ठी इसलिए लिखी है ताकि RWA सेंसिटाइज हो सके और कुछ एफर्ट कर सके एसोसिएशन लेवल पर। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत सिंपल है, अभी हमने सब्सक्रिप्शन एक डिस्कस किया था, यहाँ पर आएगा सब्सक्रिप्शन, ये थैंक यू आपका कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज है, सब्सक्रिप्शन आ गया और सब्सक्रिप्शन यहाँ पर है योर्स सिंसियरली, हमें ढूंढना है और वो ये। So this was all children, I'll continue with this taking up question number 3 and question number 4 and question number 5 in my next video. So the session is going to be very interesting, I think aapne aaj enjoy kiya hoga. To ye jo MCQ series tha hamara, ye sirf humne letter to editor cover kiya hai. Next video mein main letter article writing cover karungi aur uske next mein application for job. और क्लास 11th के बच्चे थोड़ा और इंतज़ार करिए, एक दो दिन आपको ऑफिशियल और बिजनेस लेटर में ज़रूर अपलोड करने वाली हूँ MCQ सीरीज़ के तहत। इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम दैट आई एम नॉट गेटिंग, सो जस्ट वेट फॉर फ्यू मोर डेज, ओके। आई प्रॉमिस यू टर्म 1 से पहले मैं आपको ज़रूर ये वीडियो अपलोड कर दूँगी आपके। तो ये हमारा लेटर टू, अरे भाई ये कुछ गड़बड़ हो जा रही है बात करते करते आपसे, एनीवे आप समझ गए होंगे लेटर टू एडिटर लिखना चाह रही हूँ मैं। So wait for my next video, or God bless you all. Keep watching.